आज हम डिस्क ब्रेक के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में देखेंगे। डिस्क ब्रेक में क्या होता है कि एक डिस्क प्लेट होता है। ये डिस्क प्लेट हमने बना दिया, ये डिस्क प्लेट क्या होता है, ये जो व्हील का हब होता है उसके साथ बोल्टेड होता है। ये डिस्क प्लेट हो गई और ये व्हील हब, व्हील हब के साथ बोल्टेड होता है और ये डिस्क कंटिन्यूअसली व्हील के साथ रोटेट करता रहता है। इस डिस्क के ऊपर ही हम ब्रेकिंग लगाते हैं, तो ब्रेकिंग के लिए यहाँ पर जो ब्रेक प्लेट है वो ब्रेक पैड वो लगा रहता है। ब्रेक पैड यहाँ पर जो है ब्रेकिंग करेगा। जब ये फ्रीली रोटेट करता रहता है तब ये ब्रेक पैड इससे डिस्क से कांटेक्ट में नहीं रहता है और उसके बाद जो है ये कांटेक्ट में आ जाता है जब ब्रेकिंग करने की ज़रूरत होती है तब। इसके लिए यहाँ पर इस पर जो फोर्स लगता है वो पिस्टन के जरिए लगता है। ये पिस्टन हो गया, दोनों तरफ इसके पिस्टन लगा देते हैं। ये हमने पिस्टन लगा दिया। दोनों तरफ ये पिस्टन लगा दिया। ये यहाँ पर इसके अंदर ये इंटेक हो गया जहाँ से ये फ्लूइड जो हमारा आता है। यहाँ से ये प्रवेश होता है फ्लूइड। यहाँ से जो ब्रेक ऑयल है, ब्रेक ऑयल अंदर आता है और इस पे पिस्टन पर प्रेशर डालता है, उससे जो है ये ब्रेकिंग शुरू होती है। इसको ये पूरा सिस्टम जो है एक अरेंजमेंट रहता है उसको यहाँ पर नाम देता है, चूँकि ये वर्नियर कैलिपर के जो रहता है लगभग उसी की तरह से इसकी डिजाइन रहती है देखने में, तो इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया है, कैलीपर। इसका नाम होता है कैलीपर। ये कैलीपर के डिज़ाइन का रहता है, इसलिए इसका ऊपरी वाले जो कवर रहता है जिसके अंदर ये अरेंजमेंट बंद रहता है उसको कहते हैं कैलीपर। ये कैलीपर हो गया। इसके अंदर ये क्या है, ये है पिस्टन। ये पिस्टन रहता है, पिस्टन के ऊपर यहाँ पे फ्लूइड आता है, हाइड्रोलिक फ्लूइड,
जब मास्टर सिलेंडर ऑपरेट करता है तो उससे फ्लूड इसके अंदर आता है और ये इस पर पिस्टन के ऊपर प्रेशर डालता है, तब यहाँ पे ये ब्रेक पैड डिस्क के साथ अटैच होकर के और उसके उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है, उससे ब्रेकिंग स्टार्ट होती है, ब्रेकिंग शुरू हो जाती है। ये आगे वाले पोर्शन को जो ये आगे उठ रहे थे इसको प्रेशर प्लेट कहते हैं। और ये जो पार्ट है इसको ब्रेक पैड कहते हैं, जो एस्बेस्टस या किसी और फैब्रिक मटेरियल का बना होता है। तो इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिंपल है और इसको हम बना के और अपना याद कर सकते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही रहता है। थैंक यू।